छिंदवाड़ा शहर में होगा देश का पहला कॉर्न फेस्टिवल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विविध कार्यक्रमों की दी गई जानकारी। नगर निगम द्वारा जर्जर भवनों को डिसमेंटल करने की कार्रवाई। राजपाल चौक क्षेत्र में जर्जर इमारत ढहाई गई। विधानसभा निर्वाचन 2018 को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारियां। और जिला अस्पताल के पिछले हिस्से में निर्माणाधीन भवन की दूसरी मंजिल से गिरा मजदूर, नागपुर ले जाते वक्त हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और दिनभर की तमाम खबरों को लिए मैं संस्कृति जैन। शुरुआत करते हैं खबरों की। देश में पहली बार कॉर्न फेस्टिवल का आयोजन छिंदवाड़ा शहर में किया जा रहा है। 29 और 30 सितंबर दो दिवसीय कॉर्न फेस्टिवल के आयोजन में स्टार कलाकारों से सजी शाम होगी, तो साथ ही अनेक रोचक कार्यक्रम, जानकारियां और वो सब कुछ जो जिले के मक्का उत्पादकों, किसानों के लिए बेहतर मार्केट और युवाओं के स्वरोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कलेक्टर वेद प्रकाश ने इस अनूठे आयोजन को लेकर सारी रूपरेखा तैयार की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से आयोजन की खूबियां शेयर की। फूड प्रोसेसिंग के 6 लोग आ रहे हैं और कुछ लोग इंडस्ट्री वाले भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फूड कॉलेज चलिए, जो आदमी बाहर से आता है किसी इवेंट के लिए किसी वजह से, तो कुछ ना कुछ शहर में कुछ रुकेगा, कुछ गाड़ी घोड़े वाले को देगा, कुछ खर्चा करके जाएगा, तो टूरिज्म से ऐसे बिजनेस बढ़ता है। तो इवेंट बेस्ड टूरिज्म भी यूरोप के कुछ देशों में होता है, जहां लगातार इवेंट होते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, वहां के रोजगार धंधे बढ़ते हैं और इकोनॉमी बढ़ती है। और उससे टूरिज्म का ये भी फायदा है कि टूरिज्म में किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। ये प्रूवन फैक्ट है, आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा। कहीं भी 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट से जितना टूरिज्म होता है, जितने लोग आते हैं, मतलब दूसरे रोजगार में जितना एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो टूरिज्म में उससे ज्यादा मिलता है। तो ये अपने कॉर्न का कंपटीशन करेंगे, फिर वो स्वीट कॉर्न खाने का कंपटीशन रहेगा, कुछ ज्वेलरी का कंपटीशन है, लोग अपने कॉर्न से बनाए हुए ज्वेलरी शोकेस करेंगे, या लोगों को जोड़ने के लिए और कुछ सब कुछ करेंगे। और हाँ, सेल्फी जोन, गेम जोन, ये भी है। कुछ मक्के का स्टैचू बनाया है जो सेल्फी जोन के रूप में उपयोग होगा, किसानों को बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अपैरल वाला कौन है, और एक जले की मक्के का क्या क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका वैल्यू उनको पता चले। और जो वर्कशॉप होगा, साइंटिस्ट आ रहे हैं मेरे रिसर्च सेंटर के और दूसरे यूनिवर्सिटी से, वो भी मक्का के उत्पादन बढ़ाने के लिए पार्कर साहब ने तैयार किया है। सर, 29-30 सितंबर को कॉर्न फेस्टिवल में स्थानीय लोगों के एंटरटेनमेंट की व्यवस्था भी की गई। मुझे सांडिल ने जो बनो तनुबिट्स बनो वाले गाने को जिन्होंने गाया है, इसके अलावा स्थानीय अपैरल की जो संस्था है वो कॉर्न वेस्ट फैशन शो करेगी, इसके अलावा कॉर्न शो किसान करेंगे, स्वीट कॉर्न खाने का कॉम्पिटिशन बच्चों के बीच होगा, साथ ही ज्वेलरी, कॉर्न आधारित ज्वेलरी का कुछ कॉम्पिटिशन भी होगा जिसमें स्थानीय लोग सहायता करेंगे। ये उन सब के अतिरिक्त है जिसमें वर्कशॉप करने के लिए पूरे देश से साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपने प्रोडक्ट को एग्जिबिट करने आ रहे हैं, और फूड प्रोसेसिंग के लोग ये बताएं कि किस किस तरह की चीज़ें पूरे देश में कौन से बनती है, इससे यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को एक्सपोजर मिले और वो समझें, और किसानों को भी ये जानकारी मिले कि वो अपने कॉर्न यानी मक्के का उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं और बाकी देश में कैसे वो कर रहे हैं। इसके लिए किसानों के लिए कुछ बुकलेट भी उस समय दो तरह के पब्लिश हुए, ताकि ये हैंडी हो कि कभी भी वो देख सकते हैं कि इस ज़िले में कहाँ पे कौन से न्यूट्रिएंट है और कौन सा उपयोगी है, किसमें कौन से न्यूट्रिएंट कम है, इसका कैसे इस्तेमाल करके अपने मक्के का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वेद प्रकाश की अध्यक्षता में आज विधानसभा निर्वाचन 2018 को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें उप जिला निर्वाचन अधिकारी कविता बाटला, एसडीएम अतुल सिंह तथा तहसीलदार महेश अग्रवाल के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सदस्य मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वेद प्रकाश ने चुनाव आयोग के निर्देशों को बारीकी से समझाया और प्रावधान स्पष्ट किए। पूर्ण रूप से
खड़ा होना चाहिए, उसका कोई भी कॉल खाली नहीं होना चाहिए। इसमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाए कि विज्ञापन में जो आदर्श आचरण संहिता है उसके निर्देशों का उल्लंघन ना हो। पुनः मैं आपको बताऊं क्या लिखे भाषा उसके अंदर क्या लिखी, लिखित में भाषा में चलो किस भाषा में विज्ञापन होगा, हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में, जिस भी भाषा में आपका विज्ञापन है ये भी आपको लिख कर देना होगा। विशेष रूप से ये है उसको लेखबद्ध करके देना होगा, ऐसे स्पष्ट होता है। लिखित रूप में भी, लेखबद्ध रूप में भी कंटेंट लिखना होगा इस विज्ञापन में हम क्या लिखेंगे। प्रमाणन के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन का प्रसारण नहीं करना है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज के निर्वाचन के दौरान खबर की आड़ में विज्ञापन का प्रकाशन न करवाएं, क्योंकि ये पेड न्यूज की श्रेणी में आता है। विशेष रूप से यही है, बाकी और सारी चीजें निर्धारित। अच्छा, घोषणा के टाइम में जितनी चीजें देंगे अभी सब इकट्ठा कर लीजिए, जिस दिन घोषणा होगी उस दिन पूरा एक सेट बना के हर पार्टी को देना, पहले से बना के रखिए। और कुछ मीडिया के लोग भी बुला लेंगे, सामने बात हो जाएंगे। समिति तो पहले भी रही है, जिला अस्पताल के पीछे निर्माणाधीन बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से गिरने के कारण बुरी तरह घायल मजदूर को बचाया नहीं जा सका। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे नागपुर रेफर किया गया था। मरीज गिरने के बाद सिर में चोट आई है, वो कमर में भी थोड़ा सा बाहरी अंदरूनी चोट है जिसमें दर्द वगैरह पाया गया है। सर मरीज सीरियस? सर कहाँ से गिरा? पीछे के जो मेडिकल की बिल्डिंग है इधर, ये हॉस्पिटल के बगल में। क्या काम चल रहा है? सेंट्रिंग का। क्या नाम है? संदीप नाम। कैसे हुआ है हादसा? वो साइड खोल रहा था, वो पैर स्लिप किया, चले दो मार से। दो कितनी दूर से गिरा? दो मंजिले से 20 फीट की हाइट से। हेलमेट वगैरह नहीं पहना? हेलमेट था। हेलमेट कहाँ है? हेलमेट वहीं पे छूट गया। कोई सपोर्ट नहीं बांधे थे इसको कमर में? आउटर में है तो कहाँ से सपोर्ट क्या लगेगा उसमें? बीम कॉलम में नहीं लगता है ना उसे, ऐसा सेफ्टी बेल्ट रहता है तो सेफ्टी बेल्ट जहाँ लगाने का रहता है वहाँ लगता है। अभी तो हेलमेट भी नहीं है उसके कारण। इस समय कहाँ रहेगा, वहाँ पे साइड पे छूट गया, गिर गया। कैसी लग रही हालत, कैसी अभी उसकी? अब तो डॉक्टर लोग बताएंगे, क्या बताएंगे, यही चोट लगा है सिर्फ। नागपुर ले आ रहे? पता नहीं हमको, तो नहीं पता। आप ठेकेदारी में काम में हैं? काम किसके अंडर में कर रहे हैं? एपीसीसी कंपनी का। कंपनी के अंडर? कंपनी के मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं लोग। कंपनी का नाम पूछ रहा है? बीसीसी बताया। बीसीसी कंपनी का नाम है वो पता, क्या नाम है कंपनी का? नाम जेपी का। अच्छा, जेपी का से पूछेंगे बताना। जेपी 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 है जेपी का। ठेकेदार का नाम? ठेकेदार राजू। राजू भाई। ये कहाँ के जो गिरे? ये यूपी के। ऑक्सीजन चालू कर। ये ऊपर से गिर गया। संदीप नाम है, यूपी से आए। यूपी से? अब वो पता नहीं है कितने लोग आए, उसके ठेकेदार के साथ 5-10 आदमी है। क्या हुआ, कैसे गिर गए? काम करते करते गिर गए। सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाए थे? सेफ्टी बेल्ट लगाए थे
वो सेफ्टी बेल्ट छूट गया वहाँ से। वार्ड किदवई वार्ड दीवानजीपुरा क्षेत्र में एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के टावर निर्माण के विरोध में क्षेत्रवासियों ने आज नगर निगम सभापति आदिल खान के नेतृत्व में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। तीन मंजिल बनने के बाद उसके ऊपर जो का टावर लगाया जा रहा है वो मकान जो है नगर निगम से बोलते हैं हमको समाने से हमारे पास परमिशन है, उसके बाद वो क्या करते हैं सर जैसे अगर हम लोग विरोध करते तो वहाँ पर पुलिस वालों को बुला के खड़ा कर लेते हैं, सरकार ने बोलते हैं हम तो लगाएंगे, आप चाहे जो कर लो टावर हम लगाएंगे। बताइए आज वार्ड नंबर 30 से सभी वार्डवासी माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे। ज्ञापन इसलिए दिया जा रहा है कि जियो कंपनी द्वारा एक मकान क्षतिग्रस्त मकान में टावर लगाया जा रहा है जो ऑलरेडी पट्टे वाला मकान है और पट्टे का मकान होने के बावजूद उसमें 3 स्टोरी बनी हुई है और 3 स्टोरी बनने के बाद इसके ऊपर अगर टावर लगाया जाता है तो कभी भी दुर्घटना घट सकती है जिससे लोगों को हानि पहुंच सकती है। मैं प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ, माननीय कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करता हूँ कि इसमें जल्द से जल्द स्टे लगाया जाए और टावर वहाँ से निकाला जाए और ये कार्रवाई को रोका जाए। धन्यवाद। जय हिंद। हमारा जिले के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ पर बतौर प्रदेश अध्यक्ष बड़ी जिम्मेदारियों और व्यस्तता के बीच साफ है कि छिंदवाड़ा में स्थानीय नेताओं पर भी जिम्मेदारियां बड़ी हैं और कुछ नेताओं ने हालात की नजाकत और जरूरत को देखते हुए मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद बख्शी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान का बिगुल फूंक दिया है। साथ लगेगा कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का। मकान बन रहे हैं तो सब इधर आते मिल जाएंगे, रुकिए तो ऐसे। अरे नहीं मिलेंगे तो अपन आएंगे 2 महीने बाद बना दें, क्या दिक्कत है? बन गया है। और हाँ नहीं मिलेंगे तो पूरे मिलेंगे, आज गए अपने ही लोग रहेंगे। आप देखिए गरीबों के लिए अपने जमाने में राशन में चक्कर मिलती, आज शक्कर मिल रही है। आपकी ईद हो गई, हमारी राखी हो गई, अब हमारी दशहरा आ रहा, हमारी दिवाली आ रही, मुहर्रम हो गए तो हम लोग गरीबों के लिए तो कमलनाथ जी करते ही करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस का कमलनाथ जी का साथ दीजिए। आनंद बख्शी जी अरे आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब मिलेगा। कांग्रेस के सर्वमान्य नेता माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान जनता जनार्दन से कर रहे हैं। इस वार्ड में बहुत गंभीर रूप से 2 समस्याएं हैं, एक तो लालबाग की जो रेलवे क्रॉसिंग और भगवान श्रीचंद स्कूल की जो रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पर घंटों जाम लग जाता है, यातायात ठप हो जाता है, हजारों लोग परेशान होते हैं, मरीज और आवश्यक जो सेवाएं हैं वो भी ठप पड़ जाती हैं। हमने आज एक ज्ञापन के माध्यम से महाप्रबंधक सेंट्रल रेलवे मुंबई को भेजा है जिसमें हमने मांग की है कि लालबाग रेलवे क्रॉसिंग पर और भगवान श्रीचंद स्कूल के पास की रेलवे क्रॉसिंग पर अंडर ब्रिज बनाया जाए, अंडर पास बनाया जाए ताकि लोगों को आसानी आने जाने में हो। साथ ही साथ इस वार्ड में एक नाला बहता है, वो नाला भारतीय विद्या मंदिर तक जाता है, उसकी नियमित सफाई नहीं हो रही है और इस वार्ड में पेयजल की व्यवस्था लड़खड़ा गई है। हमने इच्छित गढ़पाले नगर निगम के आयुक्त से ये मांग की है कि वे जल्द से जल्द इन मांगों पर कार्रवाई करें, यदि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो जनता के आक्रोश का सामना रेल प्रशासन को और नगर निगम के प्रशासन को करना पड़ेगा। दुर्घटनाओं की आशंका के मद्देनजर शहर में जर्जर भवनों की लिस्टिंग कर नगर निगम द्वारा ऐसे भवनों को डिसमेंटल किया जा रहा है। इस क्रम में आज राजपाल चौक क्षेत्र में स्थित जर्जर इमारत ढहाई गई। Thank you.
फिलहाल खबरों में वक्त, एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। पालक ले लो, कद्दू ले लो, पपीता ले लो, आम ले लो। अरे भाई साहब, समोसा मिलेगा? सटअप कर जाओ। अरे सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है, ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो? अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए। चुप यार। पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ। तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ। गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ। सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है, ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। ब्रेकआउट पुनः आपका सिटी हलचल में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हिंदुस्तान उत्थान पार्टी द्वारा पार्टी के विवेकानंद कॉलोनी स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों ने SC ST एक्ट के विरोध सहित अपनी विभिन्न मांगों और मुद्दों पर प्रतिक्रिया जाहिर की। हिंदुस्तान उत्थान पार्टी का गठन जो प्रक्रिया शुरू की थी, हम लोगों ने 30 दिसंबर 2015 को हमने इसके गठन की प्रक्रिया शुरू की थी। भारत चुनाव आयोग में दिल्ली तो समय नहीं था हम लोगों के पास उस स्तर पे काम करने का, मगर कैंडिडेट उसमें भी नहीं मिल पा रहे थे और जो उपस्थित थे उनके दर्ज कराई थी कई जगह पे। जैसे उत्तर प्रदेश में हमने एक विधानसभा सीट पर अपना कैंडिडेट उतारा था, खरदौली विधानसभा पर, मुजफ्फरनगर के अंदर, और हमने 15 कैंडिडेटों को बीट करके 15 कैंडिडेटों में से छठे स्थान पर बनाए थे। हमने शिवसेना और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो बहुत पुरानी है उनसे भी ऊपर का हमारा वोट प्रतिशत रहा। 7 विधानसभा सीटें हमने लड़ी थी पंजाब में, जहाँ हम चौथे और पांचवें पोजिशन। ये अचानक चुनाव के समय जाना, इसके पहले आप लोग देखते नहीं है, उसके बाद चुनाव की 8 दिन बाद अभी आचार संहिता लगने वाली है जी, उसके पहले हिंदुस्तान पार्टी आती है और अपने चुनाव के कैंडिडेट उतारती है जी, तो किस मुद्दे पे या किस आधार पे, आपका बेस क्या रहेगा? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हिंदुस्तान उत्थान पार्टी पहली बात तो ये परिवार है, पूरे भारतवर्ष का जो परिवेश है आज की डेट में उसमें काम कर रहे हैं, कोई जात पात की लड़ाइयाँ नहीं कराते, हम जमीनी स्तर पे जाकर के काम करते हैं, उन मुद्दों पे हम लोग काम करते हैं जिनकी एक्चुअल में जरूरत है। हिंदुस्तान उत्थान पार्टी मुद्दे बनाती नहीं है, जो जमीन से जो निकल करके चीजें आ रही है, जिनके पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं करती है, जो उनके चुनावी घोषणा पत्र में हो सकते हैं, मगर उसके बाद काम नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अभी नए नए बच्चे खड़े हुए हैं, थोड़ा समय लगता है किसी भी चीज को आने में, और हिंदुस्तान उत्थान पार्टी भारत की एकमात्र पार्टी है जो 2 साल से भी कम समय के अंदर अभी नौ स्टेट में काम कर रही है। मैं यहाँ दूसरी चीज बता रहा हूँ, बात मुद्दों की, आप मध्य प्रदेश में नए हो सकते हैं क्योंकि संगठन का विस्तार करने में आपको समय लगता है, हम चुनावी प्रोपोगंडा लेकर के नहीं आए, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, बरसाती मेंढक हम लोग नहीं है कि जैसे चुनाव आए जिस स्टेट में चुनाव हम उसमें जाके काम करने लगे। आपके ये सवाल है जो दिया था उसका है, हम लोग जमीन पे काम करने वाले लोग, छिंदवाड़ा में हम आज आए हैं, छिंदवाड़ा में आज हमारा पहला दिन है, आप ये लगा लीजिए। सपना मैम जो प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ से कार्यकारिणी का गठन कर रही है, मगर मध्य प्रदेश के तकरीबन 5 से 7 जिलों में हिंदुस्तान उत्थान पार्टी पिछले एक साल से लगातार। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण छिंदवाड़ा इकाई के नेताओं पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय किसानों के साथ जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से किसानों के मुआवजे की मांग की गई है। सोयाबीन का नुकसान हुआ था पिछले वर्ष, जिसके बीमा की राशि का प्रीमियम जो है किसानों के द्वारा जमा करा दिया गया, लेकिन उभेगा से लगे जितने गांव हैं, भैंसकोला, सामरगो, रोजना, गोंद्रा, राजना, वहां पर अभी तक बीमा की राशि नहीं मिली है, जबकि उससे लगा हुआ एक सारंगबीरी गाँव है जहाँ पर मतलब 50 लाख से अधिक राशि वहाँ पर मुआवजे के तौर पर आ चुकी है, लेकिन अभी
किसी तरीके की राशि मतलब उमेगांव के जो सेक्टर है मतलब सोसाइटी है वहाँ पर किसी तरह की मुआवजा की राशि अभी तक किसानों के लिए नहीं मिली है। तो यहाँ पर फसल बीमा की राशि तो सभी किसान भाई क्षेत्र के उमेगांव रांझना गोंदरा सामरगो भैंसकोला और आसपास के सभी गाँव के यहाँ पर किसान उपस्थित हुए हैं। सभी की एक ही मांग है कि उनको अतिशीघ्र मुआवजा की राशि फसल बीमा की राशि फसल बीमा की राशि तुरंत मिले। सॉफ्टबॉल स्टेट लेवल चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए जिले से चयनित खिलाड़ियों का दल आज इंदौर के लिए रवाना हुआ। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन अध्यक्ष अरुण शर्मा ने खिलाड़ियों को शुभकामनाओं सहित विदा किया। सॉफ्टबॉल संघ मध्य प्रदेश की अंडर 13 वर्षीय बच्चों की एक नेशनल कॉम्पिटिशन के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है। बहुत खुशी की बात है कि ये बच्चे सॉफ्टबॉल संघ के प्रचार के लिए ये यहाँ पे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और माननीय गोपाल धवन जी हमारे जो कोच हैं उनके नेतृत्व में ये टीम इंदौर जा रही है और इंदौर के लिए इनका सलेक्शन हुआ है। ये बच्चे उम्र में भले ही छोटे हैं 10-12 साल के, लेकिन जो उत्साह है वो 50 साल के व्यक्ति से भी ऊपर है। सॉफ्टबॉल संघ के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये इंदौर जाकर अपना अच्छा प्रदर्शन करें और जो टॉप 10 की लिस्ट बनना है उसमें छिंदवाड़ा के ये बच्चों का सिलेक्शन हो और जिससे नेशनल प्रतियोगिता के लिए चयनित किए जाएं। इसलिए आज ये बच्चे इंदौर जा रहे हैं। इन सबको हम बहुत सारी शुभकामनाएं देके छिंदवाड़ा के इन बच्चों का उत्साह हम बढ़ाना चाहते हैं। जो 10-12 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, लेकिन इनके मन में जो उत्साह है देश के लिए, राष्ट्र के लिए या राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जाने के लिए, उस उत्साह को हम मनोबल को बढ़ाने के लिए ये प्रतियोगिता में इनको गोपाल धवन जी के नेतृत्व में भेज रहे हैं और आज सॉफ्टबॉल संघ इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता है, इनको हार्दिक बधाई देता है कि ये प्रतियोगिता में सफल होकर आए। धन्यवाद। बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में हमेशा से जिले के खिलाड़ियों ने जिले का नाम रोशन किया है। नई पीढ़ी इस गौरव को और भी नई ऊंचाइयों में ले जाने के लिए प्रयासरत है। इन प्रयासों का परिणाम है कि राष्ट्रीय स्ट्रॉन्ग मैन चैंपियनशिप के लिए शहर के 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। राष्ट्रीय स्ट्रॉन्ग मैन चैंपियनशिप मध्य प्रदेश में भोपाल में 2 अक्टूबर को आयोजित होने जा रही है। इसमें लगभग पूरे भारत से 350 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से 45 खिलाड़ी मध्य प्रदेश के हैं और उसमें 8 खिलाड़ी अपने छिंदवाड़ा जिले से चुने गए हैं, जिसमें 4 महिलाएं और 4 पुरुष खिलाड़ी। और ये गेम क्योंकि मैं मध्य प्रदेश टीम ने मुझे कोच के रूप में अपॉइंट किया है, तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक मेडल लेकर आए इसमें और मेरी बेस्ट विशेस सभी के साथ है और आगे ये गेम बहुत आगे जाएगा। और स्ट्रॉन्गमैन जो है इसमें 4 इवेंट होते हैं अलग अलग और उसके आधार पे आकलन करके उसमें स्ट्रॉन्गमैन चुना जाता है, ऐसे वुमेन्स का भी इसी प्रकार से होता है। और अब एक ऐसा नजारा जो सभ्य समाज के गाल पर करारा तमाचा है। आज दोपहर नागपुर रोड पर चित्रकूट कॉम्प्लेक्स के पास एक महिला और युवक के बीच पैसों के लेन देन का विवाद हाथापाई तक जा पहुंचा। महिला पर हमला होते देख उसके पालतू कुत्ते ने हमलावर युवक पर झपट्टा मारा और महिला की रक्षा की। स्वाध्याय भवन गोलगंज में प्रभादिराज पर्युषण के प्रतिभागियों को मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में कमिश्नर नगर निगम इच्छित गढ़पाले मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम का संचालन फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन ने किया। Thank you.
मेरा तरफ लोगों पुलिस का काम है तो यही बोले पुलिस मेरे को लेना चाहिए इसके साथ है तो आपकी भावना थी तो हम बहुत बहुत आपका स्वागत और सम्मान करते हैं मात्र 15 मिनट का हमारा कार्यक्रम है और मैं बहुत विनम्र भाव से आपसे अपील करूंगा कि पर्यटन पर्व जैसा पवित्र पर्व हमने मनाया है चंद्रमाणी का पर्व है आप अपनी ओर से नगर निगम की ओर से कहना चाहूँगा आप सभी ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया मैं आप सभी से उत्तम क्षमा ही बोलूँगा इससे ज़्यादा मैंने कोई भी आग्रह नहीं करता और दीदी आरती दीदी हमारे साथ है उन्हें भी मैं नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू और इन तमाम खबरों के बाद आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के बाद जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। छिंदवाड़ा शहर में होगा देश का पहला कॉर्न फेस्टिवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में विविध कार्यक्रमों की दी गई जानकारी। नगर निगम द्वारा जर्जर भवनों को डिसमेंटल करने की कार्रवाई राजपाल चौक क्षेत्र में जर्जर इमारत ढहाई गई। विधानसभा निर्वाचन 2018 को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारियां। और जिला अस्पताल के पिछले हिस्से में निर्माणाधीन भवन की दूसरी मंजिल से गिरा मजदूर नागपुर ले जाते वक्त हुई मौत। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में आज के लिए फिलहाल इतना ही कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत नमस्कार।